कल हमने जो चैप्टर अपना नाइन क्लास का नंबर सिस्टम चैप्टर वन शुरू किया था, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो नंबर्स हैं उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसमें हमने एक बार प्रश्न लेते हैं, उसमें हमने नेचुरल नंबर पढ़े थे, उसमें हमने होल नंबर्स पढ़े थे, उसमें हमने इंटीजर्स पढ़े थे, और उसके बाद में हमने उसमें रेशनल नंबर पढ़े थे, और फिर हमने पढ़े थे इरेशनल नंबर्स। हमने इन सभी जो नंबर्स हैं उनके बारे में एक हल्का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम जो नेचुरल नंबर्स हैं इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होते हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद 0 आर नोन एज होल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? सभी नेगेटिव नंबर्स और सभी पॉजिटिव नंबर्स को क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो सभी नंबर्स जो कि आपके इन काउंटिंग नंबर्स के बीच में आते हैं। हमने कल एग्जाम्पल में बात की थी, जैसे ये कोई दो नेचुरल नंबर है, एक वन है और एक टू। हमने वन और टू दोनों को हमने नेचुरल नंबर में काउंट किया था, लेकिन हम अगर उन नंबर्स की बात करें जो कि वन और टू के बीच में आते हैं, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जैसा हूँ 1.5 है, ये 1.4 है, ये 1.3 है। तो इस प्रकार के जो नंबर्स के बीच में नंबर आने वाले हैं डेसिमल नंबर्स में बोल सकते हैं, उनको हम क्या बोलते थे? रेशनल नंबर्स बोलते थे। और रेशनल नंबर की हमने डेफिनेशन दी थी, द नंबर विच कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू वेयर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। वो सभी नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इरेशनल नंबर के बारे में, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। वो सभी क्या थे? इरेशनल नंबर थे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो थोड़ा और आगे बढ़ेगी रेशनल नंबर के बारे में, कि हम रेशनल कोई भी जो रेशनल नंबर है उस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर प्रोजेक्ट कैसे करें। तो अपना जो टॉपिक है वो है रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। तो देखिए, हम अगर बात करें कि मुझे कोई भी रेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन से लोकेट करना है, तो उसको लोकेट अपन कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। तो मैं एग्जाम्पल देती हूँ टॉपिक को सुनने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। सपोज हमने कोई एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 5/3, और हमें इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो नंबर आपका है इस नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन। तो अगर आप इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3 बन गया होता है 3, और 2 बच गया रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 1/2/3। अब अपनी जो नेचुरल नंबर लाइन होती है वो नेचुरल नंबर लाइन क्या होती है? यहाँ पे 0 होता है, ये 1 होता है, और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये आपके लिए नंबर लाइन होगी। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? इस लाइन के बीच में 1/2/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो 1 का मतलब हो गया, देखो 0 से मुझे काउंटिंग शुरू करनी है, 0 से लेकर के 1 तक तो मुझे लाना है। अच्छा, इस नंबर को मैं थोड़ा और सही लिखता हूँ, 1+2/3 को ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर के 1 तक तो मुझे लाना है। अब 1 से आगे 2 पर नहीं लाना है, 2 से पहले ही कोई नंबर आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी? 2/3 होगी, और उस नंबर तक मुझे जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2/3 ना हो कि इसका मतलब क्या हुआ? नीचे जो नंबर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में वो नंबर देख लिया, हमें क्या नंबर लिखा है? 3 लिखा है। तो 1 से लेकर 2 के बीच में जो नंबर है उसके हम 3 इक्वल पार्ट करेंगे। तो 3 इक्वल पार्ट हमें क्या किए? 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1, 2 और 3। अब हम क्या करेंगे इनमें से जो सेकंड वाला है, ऊपर क्या लिखा है? 2 लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो पार्ट क्या होगा? 2/3 होगा। तो 1 तो यहां से लेकर यहां तक होगी, यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 होगी, और इससे आगे यहां तक जो वैल्यू होगी क्या होगी? 2/3 होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो पॉइंट है उसकी लोकेशन क्या हो जाएगी? 1/2/3 बोल दीजिए, या फिर इसको 5/3 भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से आपको कोई भी जो नंबर है उसको नंबर लाइन में आपको करना है। इसका एक और दूसरा एग्जाम्पल लेके देते हैं। तो देखिए, एक और अपने एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां पर बात करता हूं, कोई नंबर ले रहा हूं 4.5 लेता हूं, और ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं।
एट अपॉन फाइव, ये दो नंबर है, दोनों नंबर को मुझे नंबर लाइन प्रोफिट करना है। तो देखिए नंबर लाइन प्रोफिट करना दूसरा तरीका होता है, हम सिंपल तो अपने नेचुरल नंबर्स उन सभी नंबर्स को नंबर लाइन प्रोफिट करेंगे, जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन हो गया, एट हो गया, नाइन हो गया, और थोड़ा और आगे वीडियो टेन ये सभी नंबर अपने इजीली लोकेट यहां पे कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पे दोनों नंबर्स में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, फाइव आ रहा है, सेम डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे ये जितने भी नंबर हैं उन सभी नंबर्स में डिनोमिनेटर लगा देंगे, क्या फाइव लगा देंगे। ये हो गया जीरो पॉइंट फाइव, ये हो गया वन पॉइंट फाइव, टू पॉइंट फाइव, थ्री पॉइंट फाइव, फोर पॉइंट फाइव, फाइव पॉइंट फाइव, सिक्स पॉइंट फाइव, और इसी प्रकार से ये हो गया आपका टेन पॉइंट फाइव। अब आप सिंपली हंस लो तो आपको आपको मिला हंसते हैं, ये आपको मिला फोर पॉइंट फाइव, तो भी ये तो रहा आपका फोर पॉइंट फाइव, मैं इस नंबर एक को बोल दूंगी ये नंबर ये क्या हो गया फोर पॉइंट फाइव हो गया, और दूसरा नंबर क्या मिला एट पॉइंट फाइव, तो ये हो गया आपका नंबर कौन सा एट पॉइंट फाइव। तो इस प्रकार से आप कोई भी नंबर आपको अगर कंडीशन है वो नंबर क्या होना चाहिए आपका रेशनल नंबर होना चाहिए, अगर रेशनल नंबर आपका है तो आप उस नंबर को इस प्रकार से नंबर लाइन में लोकेट कर सकते हैं। ओके आगे हम बात करेंगे कि अगर कोई नंबर, ये तो जो आपका वो नंबर था जिसको अपने पहले से पी एफ ऑन क्यू की फॉर्म में लोकेट कर रखा था, अगर मान लो कि आपका जो नंबर है उसको पी एफ ऑन क्यू की फॉर्म में लोकेट नहीं कर रखा है, तब हम उस नंबर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए सपोज एक एग्जाम्पल में लेते हैं वन पॉइंट फोर लेते हैं, और एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं यही टू पॉइंट फाइव लेता हूं, तो अगर मुझे इस नंबर को लोकेट करना है तो इसका मतलब मुझे एक चीज तो मुझे पता चल गई कि जो ये वन पॉइंट फोर है ये कहीं ना कहीं वन और टू के बीच में आने वाला है, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे ये नंबर लाइन लेते हैं, और जब इस नंबर लाइन को जूम करके मैं लेता हूं तो यहां कहीं बीच में आपका वन होगा और यहां कहीं क्या होगा आपके पास में टू होगा। अब वन और टू के बीच में यहां पर क्या फोर है, तो वन और टू के बीच में मुझे नो नंबर को लेने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन। जैसे इस वन को मैं वन पॉइंट जीरो लिखता हूं और इस टू को मैं टू पॉइंट जीरो लिखता हूं। अब वन पॉइंट जीरो और टू पॉइंट जीरो के बीच में मैं बात करूं तो बहुत सारे नंबर होते हैं, वन पॉइंट वन लिखता हूं, वन पॉइंट टू भी होता है, वन पॉइंट थ्री होता है, वन पॉइंट फोर होता है, 1.5 होता है, 1.6 होता है, 1.7, 1.8 और 1.9. 1.9 के ठीक बाद में क्या है 2.0 आता है, तो मुझे नंबर कौन सा लिखा 1.4 लिखा है, तो ये आपका हो गया 1.4 नंबर जो मुझे चाहिए था वो नंबर मुझे। ऐसे ही अगर मुझे 2.5 चाहिए तो इसी नंबर लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा दूंगा और 2 के बाद में 3 तक ले, जब इस नंबर लाइन को 3 तक ले लिया तो 2 और 3 के बीच में 3 को हम लिखते हैं 3.0, ये क्या बन जाएगा यहां से 2.1 बन जाएगा, 2.2 बन जाएगा, 2.3 बन जाएगा, 2.4, 2.5 ऐसे आगे चलते चलते 2.9 तक आएगा, और 2.9 के ठीक बाद में क्या आएगा 3.0 आ जाएगा, और अपने को जो नंबर चाहिए वो क्या है 3.5 था, तो ये आपका नंबर हो गया कौन सा 3.5 का नंबर। मुझे ये हो गई आपकी बात। अगर मैं पॉइंट के बारे में एक ही डेसिमल प्लेस होता हूं, मतलब पॉइंट के बारे में एक सिंगल डिजिट हो तो उस नंबर को हम इस प्रकार से लोकेट कर सकते हैं। ठीक है आगे हम बात करते हैं, अभी हमने जो बात की थी वो इस प्रकार का नंबर था कि जिसमें जो आपका रेशनल नंबर जो था वो डेसिमल के बारे में एक डिजिट बाद में क्या होता टर्मिनेट होता। अब हम बात करते हैं जैसे कि 1.43 लेता हूं, यानी पॉइंट के बाद में दो डिजिट, मैं तीन डिजिट भी लेके सकते हैं लेकिन वो और ज्यादा दिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो मैं बिना दो डिजिट की बात करता हूं। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले 1.4 को लोकेट किया था, तो 1.4 की लोकेशन हमने कैसे दी थी, हमें पता है कि जो 1.4 है वो 1 और 2 के बीच में कहीं आएगा, तो ये मैंने लिखा इसको 1 और 2 के बीच में दी थी, ये हो गया 1.0, ये 2.0, इनके बीच के नंबर लिखे मैंने 1.1
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9 की बात क्या गया था 2.0। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे पॉइंट पर, तो पहला रीजन वो क्या है 4 है, तो भाई ये आ गया 1.4 आ गया। अब 1. अब आपका जो नंबर है क्या 1.43, तो 43 कहाँ होगा, इस 4 के थोड़ा आगे होगा, इस 4 से भी आगे होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि लेकिन 1.43 1.43 का मतलब क्या होगा, ये जो नंबर होगा ये इस नंबर से आगे होगा लेकिन इस 1.45 से तो पहले ही होगा, इससे आगे नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे अपना एक इसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन लेंस को बोलते हैं। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है, एक लेंस लेंगे और उस लेंस को जूम करेंगे इस 1.4 और 1.5 के ऊपर, और जूम करने का मतलब क्या होगा कि आपको जो नंबर लाइन है उस पर ये दो नंबर देंगे, एक लिखेगा 1.4 और एक लिखेगा 1.5। ये दो नंबर जो है मैं जब इस लेंस को इसी जगह पर जूम करूंगा तो यही दोनों मुझे क्या होंगे बड़े होते थे, और जब ये नंबर बड़े देखेंगे तो मैं इस 1.4 को अपन मैथ में आपको पता है कि पॉइंट के बाद में कितने भी जुड़े हुए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं लिखा 1.4 जो है क्या होगा 1.40 हो सकता है, और इसको मैं बताऊंगा 1.50 यानी 1.50 बोल दूंगा, हालांकि इसको 40 और 50 नहीं बोलेंगे, तो पॉइंट की वजह से 1.40 अलग अलग डिजिट को ही प्रोनाउंस करते हैं, तो ये हो गया 1.40, ये हो गया 1.5, हमें क्या अपॉइंट करना है 1.43 करना है, तो इस 40 से आगे क्या आएगा 1.2, तो ये हो जाएगा 1.41, 1.42, 1.43 हो जाएगा, 1.44 हो जाएगा, 1.45 हो जाएगा, ऐसे ही आगे का मन बाकी के नंबर को लोकेट कर सकते। फिलहाल मुझे जो मेरा नंबर चाहिए था वो क्या था 1.43 था, और 1.43 मुझे नंबर कहाँ मिल जाएगा, ये नंबर आपका क्या हो गया 1.43, तो इजिली हम इस नंबर को बन फायदा कर सकते हैं। अब अगर ये हो गया आपका डॉट की बात, अगर मुझे मान लो तीन डिजिट यहाँ पे दिया हो, जैसे आपको नंबर दे दिया 1.435 बताइए मुझे, तो 5 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इस 1.43 और इस 1.44 के बीच में एक बार और मुझे इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर फिर से मुझे नेक्स्ट लगाना पड़ेगा, और नेक्स्ट लगा करके क्या करेंगे देखिए थोड़ा सा बता दूँ, ये हो जाएगा आपका 1.43 और ये हो जाएगा आपका 1.44। अब इसके भी अगले जुड़ करता हूँ, इसके भी अगले जुड़ करता हूँ, ये हो जाएगा 1.431, ये हो जाएगा 1.432, 1.4343, 1.434 हो जाएगा, 1.435 हो जाएगा, 1.436 हो जाएगा, और ऐसे ही आगे मुझे नंबर क्या चाहिए, मुझे नंबर क्या चाहिए 1.435 चाहिए, तो ये होगी आपका नंबर 1.435 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो नंबर्स हैं जो रेशनल नंबर्स हैं उनको हमें नंबर लाइन लोकेट करना आज पड़ा है। कल की क्लास में बात करेंगे, तो कल की क्लास में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो एक ही कोई भी आपको दो नंबर दिए हुए हैं, सपोज मुझे 4 और 5 दे रखे हैं, इनके बीच में कोई रेशनल नंबर है उसको कैसे हम फाइंड करेंगे, उसके अलावा ये तो हमने आपका आज पढ़ाया था रेशनल नंबर को नंबर लाइन लोकेट करना, हम कल बात करेंगे किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन लोकेट करना। ओके, आई होप आपको आज की क्लास का जो वीडियो है वो हालांकि इतना कुछ तक था फिर भी समझ में आया होगा, और फिर भी अगर किसी को डाउट रहे समझ में नहीं आया तो एक बार आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके चेक करें, और फिर भी अगर समझ में ना आए तो मुझे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपसे पसंद आएगी। ओके, थैंक यू।